फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ता किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। ये मैंने फ्रेश वेजिटेबल्स से बनाई है। आइए देखते हैं इसका वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्रिस्पी रहती है। इसके बनाने के लिए मैंने तीनों तरह की शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम ग्रीन, येलो एंड रेड, और मैंने ब्रोकली लिया है। देखिए, ब्रोकली भी मैंने काट लिया है धोकर के, और गाजर को मैंने लंबा काट लिया है। आपकी मर्जी है, गाजर लेना चाहे तो ले लीजिए। सब्जियां आपकी चॉइस की हो सकती हैं, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, चाहे तो बीन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यही सब्जियाँ प्रेफर करती हूँ। मैंने तीनों शिमला मिर्च, कैरेट और ब्रोकली लिया है, और मैंने इसके लिए दोनों मुझे सॉस चाहिए। मैंने चिली टमाटो सॉस लिए है, और एक ऑर्डिनरी टमाटो केचप है, नमक, काली मिर्च पाउडर और ऑयल। स्टर फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। अब मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था। मैं इनको पहले ब्लांच करूँगी वेजिटेबल्स को। मैं उबलते पानी में इनको डाल रही हूँ। देखिए, पाँच मिनट के लिए मैंने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये प्लेन वाटर है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, बस बॉईल किया है। पाँच मिनट बॉईल हो जाएंगी तो थोड़ा सा ही टेंडर हो जाएंगी, तब हम इनको निकाल के स्टर फ्राई करेंगे। तब तक मैं इनको ढक कर के रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी अब थोड़ी टेंडर हो गई है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, और अब मैं इसको छान लूँगी स्टेनर में। इसका सारा पानी निकालना है हमें। फ्रेंड्स, सब्जियों को मैंने छान लिया है, हल्का सा मैंने बॉईल किया था, इसको ब्लांच किया था, नॉट प्रॉपर बॉइलिंग। अब मैं कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल रही हूँ, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। और इसमें मैं अब अपनी सब सब्जियाँ डाल के तेज तेज गैस पर फ्राई करती रहूँगी, क्रिस्प हो जाएंगी। तो आप डिनर टाइम में बनाइए, राइस के साथ खाइए, या वैसे ही आप टोस्ट के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं संडे के दिन मैं स्पेशली ये बना लेती हूँ, लाइट रहता है डिनर, ब्रेड स्लाइस के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसको तेज गैस पे रखना है फ्रेंड्स, तभी ये करारी होती है, स्लो पे नहीं करना है हमें। 5 मिनट हम तेज पे करेंगे, फिर हम थोड़ी देर स्लो पे रख देंगे। देखिए कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है। मैं ऐसे ही इसको चलाती रहूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ जब ये तैयार हो जाएगी तब। देखिए, मेरी सब्जी अब स्टर फ्राई कर रही थी मैं इसको तेज गैस पर। ये देखो, ब्राउन ब्राउन होने लग गई है, आप देख सकते हैं, हल्का सा सिक गया है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में सिर्फ काली मिर्च डालती हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट भी लाइट ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी सॉस डालेंगे उसमें भी नमक होता है। अब मैं चिली टमाटो सॉस डाल रही हूँ। एक चम्मच करीब डाल दिए मैंने, और थोड़ा टमाटो सॉस भी एक चम्मच करीब डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करके फिर 2 मिनट के लिए, ये हमारी 5 मिनट में सब्जी रेडी हो गई है। ये कितनी टेम्पटिंग सब्जी लग रही है, हम आप खाइए इसको। सर्व करने के लिए रेडी है।
मैं इसको डिश में पलट रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वेजिटेबल्स की और बहुत टेम्पटिंग सब्ज़ी लग रही है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बनाते रहिए, मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरी नई रेसिपीज़ के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।